जम्मू कश्मीर में सेना ने बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद की शहादत का बदला 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ठिकाने लगा कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा पार से गोलीबारी शुरू की। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया। पाक की गई गोलीबारी के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई थी। हालांकि भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। उत्तरी सेना के कमांडर इन चीफ रणवीर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में भारत ने 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए, ये इस चीज को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये मैं आप सबके जरिए सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना पाकिस्तान से एक कदम आगे है। अगर वो किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उनको पूरा का पूरा जवाब उसी प्रकार उसी दिशा में दिया जाता है। बता दें, सुबह सुबह ही पाकिस्तानी सेना ने छोटे व स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल कर खारी कर मारा इलाके में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन का भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सुबह करीब 4:30 बजे शुरू हुई गोलीबारी सुबह 6:30 बजे तक जारी रही। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में भारतीय सेना का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडर विनय प्रसाद की शहादत का बदला माना जा रहा है। बता दें कि घाटी के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडर विनय प्रसाद शहीद हो गए थे। गौरतलब है कि नए साल के पहले दिन से ही पाकिस्तान की तरफ से राजौरी व पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन जारी है। आप सब जानते हैं कि पिछले काफी वर्षों से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ गलत कार्रवाइयां करता रहा है, जिसके ज़रिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर भेजकर आतंक फैलाना चाहता है और उनको कवर करने के लिए, उनकी हरकत को कवर करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर वायलेशंस करता रहता है। लेकिन मैं आप सबको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना बिल्कुल काबिल है, सक्षम है और हर समय जब भी पाकिस्तान की ओर से कोई सीज फायर वायलेशन या कोई स्नाइपिंग का हादसा होता है, पाकिस्तान सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान की इस गोलीबारी का भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसी का परिणाम है कि पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। पाकिस्तान को ये भली भांति समझने की जरूरत है, भारत की डिफेंस नीति में बड़ा बदलाव आया है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो कोई उसे बचा नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।